आपके सामने जिक्र किए जाएंगे। इसमें से एक अहम सबब यह है कि माँ बाप का बच्चों की तरबियत में कमी करना और बच्चों की तरबियत में जो नक्स रह जाता है, बच्चों की तरबियत में जो लापरवाही बरती जाती है, ये एक बुनियादी सबब है। छोटे और कमसिन बच्चे होते हैं, उनके लिबास से लेकर, उनके मेल मिलाप से लेकर, उनकी घरेलू ज़िंदगी, उनकी बाहर की ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके दोस्त, उनके रफ़ाक़ा, इन सब पे गहरी नज़र होनी चाहिए। हम देखते हैं कि माँ बाप बड़ी तादाद में, अमूमी तौर पर बहुत ही कम ऐसे माँ बाप होंगे जिन्होंने नहायत संजीदगी का मुजाहरा किया हो। बड़ी तादाद में माँ बाप ऐसे होते हैं वालिदैन जो बच्चों की तरबियत के सिलसिले में और बच्चों के अखलाक को दुरुस्त करने के सिलसिले में अपना उनका एक नुक्ते नज़र होता है, बस उसी के बकदर वो उनकी तरबियत करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी से मेल जोल, किसी से बातचीत, रहन सहन, उससे मुतालिक बहुत ज़ोर दिया जाता है, लेकिन उनका ज़ाहिर, उनका बातिन दुरुस्त हो, अल्लाह सुबहान व तआला के हाँ उनका मामला सही हो, कोई देखे ना देखे अल्लाह सुबहान व तआला का खौफ उनके दिल में हो। मोहब्बत होती है दुनिया की, माँ बाप की, सबकी, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनके दिल में अल्लाह की हो, इस तरह की तरबियत बहुत ही कम घरानों की होती है। बच्चों का अगर मामला ले लिया जाए तो उनके घरों में जो माहौल होता है टेलीविज़न के ज़रिए से, टेलीविज़न का घर में होना, उसकी शरीय हैसियत एक अलग मामला है, एक आम सी बात है, उसका जायज़ इस्तेमाल, ये सब कहते हैं, एक अमूमी बात है। उस नुक्ते नज़र से हमारी गुफ्तगू नहीं हो रही है, बल्कि हम इस नुक्ते नज़र से गुफ्तगू करना चाहते हैं कि टेलीविज़न का जो इस्तेमाल है, छोटे बच्चों को सीरियल दिखाए जाते हैं, धीरे धीरे करके उनके जज्बात गलत रुख इख्तियार कर लेते हैं।